हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे लगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न चाहिए और थोड़ा सा मैक्रोनी हो या पास्ता और कॉर्नफ्लोर चाहिए। तो चलिए ये सूप हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि सारी सब्जियों को अच्छे से काट लेना है धोने के बाद, और बारीक बारीक काटना है ताकि इसके पीसेस बड़े ना हो, और उसके बाद हमें बॉईल कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने सब्जियों को बॉईल कर दिया है और टमाटर को अलग कर लेना है क्योंकि टमाटर में छिलके होते हैं, तो इसको मैशर में हमें मैश कर देना है और इसके छिलके को निकाल देना है और पल्प रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे पूरे टमाटर को ले ली हूँ और इसको मैं मैशर या स्पून के हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर दिया है और इसके पल्प को मैं इस वेजिटेबल वाले में मिला दूँगी। तो देखिए इस तरह से मिला देना है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन मिला दूँगी और बारीक कटा हुआ लहसुन मिलाने के बाद थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालूँगी। देखिए स्वीट कॉर्न डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो जो स्वीट कॉर्न का स्वीटनेस होता है ना वो आपके सूप को और भी स्वीट बना देता है, कहते हैं ना टेस्टी लजीज बना देता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक डाला है क्योंकि बॉईल करते समय भी मैंने नमक डाला था, इसलिए मैंने इसमें कम डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 2 या 3 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। उसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको घोल लिया है। उस घोल को इसमें मिला देना है धीरे धीरे और चलाना है ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन बटर से थोड़ा और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको जो हमारा सूप है वो रेडी हो जाता है। 3 से 4 मिनट तक ये जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो अच्छे से पक जाता है और देखिए हमारा टेस्टी हॉट वेजिटेबल सूप जो है रेडी है। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। बहुत इजी है, इजी टू कुक है, आप इजीली बना सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा हॉट वेजिटेबल सूप।